देखिए, एक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये हमारा क्लास 3 चल रहा है सबरिंग्स का। इससे पहले 1 2 हो चुका है, तो 1 में क्या करवाए थे? बेसिक डिफिनेशन, सबरिंग्स प्रॉपर इम्प्रॉपर का डिफिनेशन करवाए हुए थे, जो कि एग्जाम में आता है। देन सेकेंड में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाए हुए थे नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन का, जो कि फिक्स रहता है, वो हमारा आता ही आता है, ठीक है। एक साल छोड़ के एक दो साल गैपिंग करके आता ही है हमेशा, तो उसको कर लीजिएगा, कम्प्लीटली कर लीजिएगा, ठीक। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि उसमें थ्योरम में था, वो थ्योरम का यूज हो गया यहाँ पे, इस वजह से वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है कि एस हमारा इज सबरिंग्स है। एस जैसे ही हमारा सबरिंग्स हुआ तो दो कंडीशन था जो कि सेटिस्फाई करता था। ए को एलिमेंट हुआ एस का, बी को एलिमेंट हुआ एस का, देन ये इम्प्लाइज करेगा क्या कि ए और माइनस बी जो है वो बिलोंग करेगा एस में। तो ये हमारा कहलाता है क्या, एक प्रॉपर्टी। देन ए बिलोंग हुआ एस में, फिर बी बिलोंग हुआ एस में, तो ए मल्टीप्लाई विथ बी बिलोंग्स करेगा किस में? एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। एस अगर सबरिंग हुआ तो ये हमारा दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर हमें किसी को सबरिंग्स दिखाना है, एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन देखिए, टू प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज अ सबरिंग्स, दो सबरिंग्स का इंटरसेक्शन करेंगे। एस को एक सबरिंग हुआ, इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पता है ना, इंटरसेक्शन ऐसे होता है और यूनियन हमारा ये होता है, ठीक है। बताएंगे इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो, ठीक है। तो देखिए एस दो हमारा क्या हुआ, सबरिंग्स हुआ। एक्चुअली में क्या है कि ए सबरिंग्स, दूसरा सबरिंग्स, तो सबरिंग्स में क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसका अपना अपना करेगा, ठीक है, ये भी करेगा और ये भी करेगा। लेकिन हमें दिखाना कम्प्लीटली ये है कि ये हमारा सबरिंग्स कहला रहा है। तो ये अगर हमारा सबरिंग्स कहला रहा है, किसी को अगर हमें सबरिंग्स दिखाना है तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों प्रॉपर्टी जैसे ही सेटिस्फाई हो गया तो हम बोल देंगे कि ये हमारा सबरिंग्स है। गया ये भी अगर हमारा सेटिस्फाई कर गया ना, ए को एलिमेंट हुआ एस इंटरसेक्शन एस का, ठीक, फिर बी एलिमेंट हुआ किसका, एस इंटरसेक्शन एस का, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए माइनस बी एलिमेंट हो जाएगा एस इंटरसेक्शन एस का, ठीक। एंड देन फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकेंड प्रॉपर्टी एस इंटरसेक्शन एस का, फिर बी एलिमेंट हुआ एस इंटरसेक्शन एस का, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए डॉट बी बिलोंग्स करेगा किसमें, एस इंटरसेक्शन एस में, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जैसे सेटिस्फाई हुआ तो हम बोल देंगे कि ये हमारा सबरिंग्स हो गया। समझ में आया कि दो इंटरसेक्शन को कैसे हम प्रूफ करेंगे? एस अगर सबरिंग्स है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टू सबरिंग्स, ठीक है, तो दो सबरिंग्स है, मीन्स एस हमारा सबरिंग्स हुआ तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ओके। अगर हमें किसी को दिखाना है कि ये हमारा सबरिंग है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मीन्स हमारा सबरिंग हो गया, ठीक। एस सबरिंग तो कंडीशन ऑलरेडी रहेगा, अगर दिखाना किसी को है तो दो कंडीशन दिखाएंगे, बस वो हमारा सबरिंग हो जाएगा, बस इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। जैसे कि एस को एलिमेंट लिया, एस वन को एलिमेंट ले लें, 2 3 4 3 है 4, ये हमारा 5 हो गया। एस टू को एलिमेंट लिए जो कि हम देते हैं 2 6 8 4 दे दिए, ठीक है, इस तरीके से दिए। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, एस वन इंटरसेक्शन एस टू क्या होगा? तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे दोनों में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। दोनों में अवेलेबल कौन है, ये हमारा 2 अवेलेबल है और 4 अवेलेबल है, मीन्स हमारा इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट हुआ वो हमारा 2 और 4 हो गया इंटरसेक्शन। और यूनियन क्या हुआ, तो यूनियन जो होता है, दिख रहा है ना, यहाँ पे यूनियन लिखते हैं एस यूनियन, एक्चुअली में एस वन यूनियन एस टू क्या होगा, तो ये हमारा होता है जैसे हमारा 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 8 है, मीन्स सारा एलिमेंट होना चाहिए। तो सारा एलिमेंट है ना 2 3 4, तो 2 और 4 यहाँ पे मिल ही गया, 3 और 5 यहाँ पे और 6 और 8, देखिए सारा एलिमेंट। तो ये इसे बोलते हैं यूनियन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक, समझ में आया, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है क्या, एक्चुअली में ये दो जो हमारा है सबरिंग्स उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, हमारा सबरिंग्स ही होगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो एस वन और एस टू मान के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, एस एस हम लिख दिए थे, एस वन और एस टू मान के चलेंगे, दो सबरिंग्स हमारा रहेगा यहाँ पे, जैसे हम बताए हुए एस वन और एस टू मान के चलेंगे, ठीक है। तो एस वन में भी सेटिस्फाई करेगा ये दो कंडीशन, एस टू में भी सेटिस्फाई करेगा ये दो कंडीशन, ओके। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, बहुत ईजी है प्रूफ करना, बस समझ में आना चाहिए ना, समझा दिए, देखिए प्रूफ, प्रूफ करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप समझिए एक्चुअली में प्रूफ क्या करना, करने क्या बोल रहा और हम करेंगे क्या, ठीक है। तो प्रूफ में देखिए लिखेंगे, लेट दो सबरिंग्स है, मीन्स हो जाएगा एस वन एंड एस टू, एस वन एंड एस टू बी द
टू सब रिंग्स, दो हमारा सब रिंग्स ऑफ किसका, आर का। एक्चुअली में क्या है कि रिंग का ही ना सब रिंग होता है, से पहले बताए होंगे ना कि सब रिंग्स के डेफिनेशन में रिंग का ही सब रिंग्स होता है, ठीक है। और सब ग्रुप होगा तो ग्रुप का सब ग्रुप होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लियरली एस कोई सब रिंग हुआ ना, सब रिंग होना मीन्स क्या होना, देखें एस और एस वन और एस टू दो सब रिंग हुआ, ठीक है, आर का। तो सब रिंग जो होता है वो क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, और एस क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा रिंग का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, एस इटसेल्फ रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि रिंग होगा मीन्स ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ, क्योंकि दोनों हमारे सब रिंग है तो दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, मीन्स क्या होगा कि ये हमारा फाई नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली कि एस वन अगर इंटरसेक्शन करते हैं एस टू के साथ तो ये हमारा डज नॉट इक्वल टू फाई, मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, फाई नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे एल्स, मान लेते हैं कि जीरो ही एलिमेंट है इसमें, एस वन इंटरसेक्शन एस टू में मान लेते हैं जीरो एलिमेंट है, तो नाउ वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या कि एस वन इंटरसेक्शन विथ एस टू इज अ सब रिंग, ये हमारा क्या कहलाता है, सब रिंग्स ऑफ आर, ठीक है। एक्चुअली में रिंग्स नहीं होगा, सब रिंग होगा, ठीक। इंटरसेक्शन एक तो ये हमारा वन बन जाएगा ना, तो इज अ सब रिंग ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एस वन और एस टू दो था, जैसे टू सब रिंग्स हुआ, यहाँ पे क्या कि एस वन इंटरसेक्शन एस टू एक एक ही हमारा बन जाएगा, एक सेट बनेगा, इज अ सब रिंग ऑफ आर हो जाएगा, ठीक। नाउ वी हैव, तो देखिए अलग अलग है ना, एक्चुअली में एस वन अलग है एस टू अलग है, दो सब रिंग है, तो क्या होगा कि ए को एलिमेंट ले लेते हैं किससे, एस वन इंटरसेक्शन एस टू से, ठीक है, इससे ए को एलिमेंट ले लेता है एस वन इंटरसेक्शन एस टू, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ए एलिमेंट जो होगा इंटरसेक्शन में, जस्ट बताएं कि ए इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों में एलिमेंट रहता है उसी को कॉमन आउट करता है इंटरसेक्शन, तो ए एलिमेंट किसका हो जाएगा, एस वन का होगा क्या, और फिर क्या होगा, ए जो एलिमेंट है वो हमारा एस टू का भी हो जाएगा, ओके। ए एलिमेंट एस वन का भी होगा, ए एलिमेंट एस टू का, तभी जाके हमारा इंटरसेक्शन एलिमेंट हुआ है ए, ठीक। देन फिर क्या ले लेते हैं, बी को एलिमेंट ले लेते हैं जो कि हमारा S1 इंटरसेक्शन S2 से है, तो सिंपल वही होगा, B कहाँ जाएगा, B एलिमेंट रहेगा S1 का और B भी एलिमेंट रहेगा S2 का, ठीक, इस तरीके से रहेगा। तो क्या होगा, देखिए अब S1 और S2 सब रिंग्स है, मीन्स हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ कि S1 एंड S2 बोथ आर सब रिंग्स, ठीक, यहाँ पे लिखते रहे नाउ S1 एंड S2 बोथ आर सब रिंग्स, तो क्या होगा, दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक। इसको हम इरेज करते हैं ऊपर, देखिए अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक। इसको क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं, लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ए एलिमेंट है किसका, एस वन का, पहले हम एस वन सब रिंग लेते हैं, तो ए एलिमेंट है एस वन का, बी एलिमेंट है किसका, एस वन का, ओके। तो ए एलिमेंट है एस वन का और बी भी एलिमेंट है एस वन का, तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारा था वो क्या था, ए माइनस बी था क्या, तो ए माइनस बी कहाँ हो जाएगा, एस वन का एलिमेंट हो जाएगा, होगा ना, फर्स्ट कंडीशन याद होगा, तो मैं बताए हुए थे ना वीडियो का स्टार्टिंग में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंड क्या सेटिस्फाई करेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला भी, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन भी सेम लिखेंगे ना, ए बिलोंग्स टू एस वन, बी बिलोंग्स टू एस वन, तो इतना क्यों लिखे, डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं, ए डॉट बी भी बिलोंग्स करेगा किस में, एस वन में बिलोंग करेगा, करेगा ना, दोनों हमारा सेटिस्फाई किया कंडीशन, ठीक। देन इसके बाद फिर क्या होगा कि ये जैसे एक्चुअली में क्या कि ये ए बिलोंग्स करेगा किस में, एस टू में, और बी बिलोंग्स कर रहा है एस टू में, ठीक है। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई करा, तो लिखेंगे एंड A बिलोंग्स कर रहा है S2 में, फिर B बिलोंग्स कर रहा है S2 में, ठीक है, ये सब रिंग्स 2 में, तो क्या हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा सेम कंडीशन को, लेकिन क्या है, S2 में, एंड A डॉट B ये भी माना क्या हो जाएगा, S2 में हो जाएगा, ठीक।
देन आप देखिए कि कुछ दिख रहा है आपको क्या, कि ए माइनस बी जो है वो एस वन में भी है, ए माइनस बी एस टू में भी, मीन्स ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन कर देते हैं तो देखिए ये हमारा कॉमन एलिमेंट हुआ, ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हमारा कॉमन एलिमेंट हुआ, हुआ कि नहीं, कॉमन एलिमेंट दिख रहा है ना आप लोग को, इसलिए क्या कॉमन एलिमेंट ही चाहिए ना इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दस फाइनली We have, हमारे पास क्या होगा देखिए, फाइनली वी हैव एक्चुअली में क्या, दस फाइनली वी हैव, इसे पहले लिखना चाहिए था क्या कि नाउ करके, क्योंकि ये दोनों को दिखा देते हैं पहले, ठीक है, दोनों को पहले दिखा देते हैं, ओके इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, दोनों को दिखा देते हैं, लिखेंगे नाउ ए जो हमारा है एक्चुअली में एस वन, ए माइनस बी बिलोंग्स टू कहाँ पे, इस सेम एस टू में, ठीक है, सेम सेम एलिमेंट है, तो ये इम्प्लाइज क्या कर देगा, ए माइनस बी जो होगा वो बिलोंग्स कर जाएगा एस वन इंटरसेक्शन एस टू में, ये हम दिखा देते हैं, ठीक। एंड दिखाते हैं क्या कि ये मल्टीप्लीकेशन वाला एस वन में है, फिर ए डॉट बी कहाँ है, एस टू में है, तो ए इम्प्लाइज क्या कर देगा कि ए डॉट बी जो है बिलोंग्स करेगा इसमें एस वन इंटरसेक्शन एस टू में। अब फाइनली करके लिखते हैं, दस फाइनली वी हैव, तो हमारे पास क्या होगा देखिए, वी हैव ए कोई एलिमेंट था, किसका था, एस वन इंटरसेक्शन एस टू का स्टार्टिंग में, ठीक है, ए कोई एलिमेंट था एस वन इंटरसेक्शन एस टू का, तो ए एलिमेंट हो रहा था एस वन का, ए एलिमेंट हो रहा था एस टू का, हो रहा था ना, और बी भी कोई एलिमेंट था जो कि हमारा था एस वन इंटरसेक्शन एस टू का, तो अब हम दिखा दिए क्या कि ये इम्प्लाइज कर गया है कि ए माइनस बी हो गया एलिमेंट किसका, एस वन इंटरसेक्शन एस टू का, एंड एक हम दिखा दिए हैं, एंड ए डॉट बी भी जो एलिमेंट हो गया वो एस वन इंटरसेक्शन एस टू का एलिमेंट हो गया है। एक्चुअली में क्या सब रिंग्स के लिए यही दो प्रॉपर्टी दिखाना था, तो यही दो प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई होता है, मीन्स ये हमारा बोल सकते हैं कि एस वन इंटरसेक्शन एस टू जो हो गया वो हमारा सब रिंग्स हो गया, है ना, सब रिंग्स के लिए यही दिखाना रहता है ना, तो ये हमारा सब रिंग्स कहलाए। तो लिखेंगे देयरफॉर एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज अ सब रिंग्स, सब रिंग्स ऑफ आर, हेंस द थ्योरम, के थ्योरम होता है प्रूफ, ठीक, समझ में आया क्या क्या करना था, ठीक है, सब रिंग्स रहेगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर हम दोनों कंडीशन को दिखा देंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स हमारा सब रिंग्स हो जाएगा, किसी को सब रिंग्स दिखाना है तो बस कंडीशन को दिखा दिया, सिंपल स्टेप बाय स्टेप गए, बस दिखा दिए, बस हो गया, ठीक है, ये थ्योरम होता है प्रूफ। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक, थैंक यू।